सब्सक्राइब करें माय चैनल टेक्निकल सेवा नंबर 1 और बेल के आइकॉन को दबा दें। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिवा नंबर 1। देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही फ्रेंड, यहां पे आपको मेरे चैनल पे मिल जाती है फ्री प्रेडिक्शन, आप किस ऐप पे कर सकते हो। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं, जिनके पास मनी नहीं है तब भी आप कहां पे इन्वेस्टमेंट करें तो फुल इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल किंग ऑफ ड्रीम इलेवन पे मिल जाती है। यहाँ पे इसलिए मिल जाती है आपको, यहाँ पे मैं 100% बोनस लीग प्रोवाइड कराता हूँ, साथ ही आपको फ्री लीग ज्वाइन कराता हूँ कि आप यदि पैसे नहीं है तब भी आप मैच पे प्रिडिक्स करना चाहते हो तो फ्री में भी आप अर्निंग कहाँ कर सकते हो, तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। अब ये 100% बोनस यूज़ करवा देता हूँ, 100% फ्री 0% प्लेटफॉर्म फीस आपको प्रोवाइड करा जाता हूँ कि आप कहाँ पे मनी इन्वेस्टमेंट करें, जितना कि आप लगाओ उतना डबल का फ़ायदा पाओ, ठीक है ना, जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आज के जो ये है, ये ऑफर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये देखो अभी पाकिस्तान वर्सेस आईसीबी का जो मैच होगा यहाँ पे, ठीक है ना, सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो आइए चलते हैं आज के प्रेडिक्शन की ओर। और आपको यहाँ पे टीमें प्रोवाइड करा दी जाती हैं कि ग्रैंड लीग स्मॉल लीग हेड टू हेड की टीमें कैसी होती हैं, कल का मैच आपने देखा होगा तो यहाँ पर सभी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहें। और जिन्होंने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपने टेलीग्राम चैनल नहीं जानते तो आप टेलीग्राम जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और किंग ऑफ ड्रीम इलेवन आप सर्च करें, ठीक है, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही अच्छा चैनल है, यहाँ आपको फ्री टीमें ग्रैंड लीग स्मॉल लीग हेड टू हेड की टीमें प्रोवाइड की जाती हैं जहाँ आपके जीतने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। ये आपको बता दूँ, मेरा एक ऐसा चैनल है जिसपे आपको किसी भी चैनल आपको फ्री टीम वो प्रोवाइड नहीं करता जहाँ पर आप जीतो। तो एक ऐसा यहाँ पे मैं चैनल बना के लाया हूँ आपके लिए जहाँ पे आप 100% जीत सुनिश्चित कर सकते हो, चाहे वो ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग की हो। मेरी यदि टिप यूज़ करते हो तो आप 100% यूज़ करते हो। मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि यदि आप, मैं जो भी टीम आपको देता हूँ उस पर मैं जो टिप देता हूँ उसके बाद आप यूज़ किया करो, क्योंकि टीम तो मैं एवरेज बनाता हूँ उन टीमों में, क्योंकि जो सभी लिए रहते हैं। और आप जानते हैं सेफ टीम काफ़ी मैचेस हारती भी है, क्योंकि यदि जिन्हें आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए वो नहीं चला तो टीम हार जाती है। थोड़ी ये वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यदि आप ग्रैंड लीग स्मॉल लीग या हेड टू हेड 100% विनिंग करना चाहते हैं। तो आज के प्रेडिक्शन इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के थर्ड टेस्ट है, उनमें से कौन सा टीम आपको लेना है स्मॉल लीग हेड टू हेड ग्रैंड लीग में, वेदर कंडीशन कैसा होगा, सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज का जो मैं पीछे कंडीशन की बताऊंगा, मैच डिटेल आपको बता दूंगा, मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग इलेवन दोनों टीमों की और कौन कौन से स्क्वाड में ऐड हो सकते हैं सब बता दूंगा। ये साउथहैम्पटन पे ही है जहाँ इसका पहले मैच खेला गया था, मैच प्रीव्यू, गुड पार्टनरशिप हुई थी आपने रिजवान के बीच, आपने देखा होगा आजम रिजवान के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई थी दोनों के बीच, इंग्लैंड स्क्वाड की तरफ से भी बहुत अच्छे हुए थे। आपको बता दूँ यहाँ पे जे अर्चर यहाँ पे रिटर्न आएंगे, डी बेस यहाँ पे बाहर हो सकते हैं आज के मैच पे, ठीक है ना। जो आप यहाँ पे बता दूँ, स्टुअर्ट ब्रॉड ने पिछले परफॉर्मेंस में 4 विकेट और जस एंडरसन ने 3 विकेट लिया था, तो इस मैच में ये मोस्ट पिक होने वाले हैं। क्रिस बॉक्स मस्ट पिक होने वाले हैं, सैम करंट भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे। नथिंग मच टू टॉक अबाउट इंग्लिश बैट्समैन डिसेबली जे क्रेवे ओनली स्कोरिंग रन, डिसेबली 32 रन, जे क्रेवली जो हैं वो वहाँ पे 53 रन मारे थे। यहाँ पे टॉप पिक आप यहाँ पे ज़रूर इन्हें लेके ही जाएं, जो जो रूट एंडरसन पिछली परफॉर्मेंस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था ग्रैंड लीग हेड टू हेड पे, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। स्टुअर्ट ब्रॉड, बाबर आजम, सैन अफरीदी और यासिर शाह, आप इन्हें ज़रूर लेके चलें। इसके अलावा आपके कौन से वो 6 हैं 4 5 प्लेयर हैं जिन्हें आप लेके जा सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहें। सब प्लेयर स्टेट के बारे में बताऊंगा कि आपको किस आज के पिच पे और आज के जो जैसा कि वेदर कंडीशन है आप किन्हें प्रोवाइड करें। जैसा कि आप देखोगा पिछला परफॉर्मेंस फुल मैच नहीं हो पाया था, सेकंड पारी जो हो पाई थी, मतलब फर्स्ट पारी जो पाकिस्तान की हो ही पाई थी, जिस सॉरी पाकिस्तानी इंग्लैंड की पारी हो पाई थी, वो सिर्फ 40 ओवर ही खेल पाए थे जिसपे ने 100+ रन मारा था। यहाँ पे पिच कंडीशन जो होगा, बैटिंग फर्स्ट एक्सेप्टेड टू मोर वहाँ 270-266 तक जाने वाला है, बैटिंग सेकंड विनिंग चांसेस 40% बढ़ जाएगा, जो सेकंड इनिंग विनिंग चांस रहेगा बैटिंग सेकंड विनिंग, ठीक है ना। टॉप प्रिडिक्शन रहेगी यदि कोई भी
टॉस जीता है तो सबसे पहले बैटिंग करना चाहेगी, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंग्लैंड हो, ठीक है ना। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आर्बन, डिसेबली, जैक, जो रूट, ओलियोपॉफ, सैम करन, जॉस बटलर, स्टुअर्ट ब्रॉड, डी बेस की जगह जोफर आर्चर आएंगे और यहाँ पे जेम्स एंडरसन ऐड हो चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से प्लेइंग 11 शान मकसूद, आबिल अली, पिछली परफॉर्म ने बहुत ही अच्छा खेला था, अजहर अली, दोनों मैच में ये फ्लॉप ही हो रहे हैं, बाबर आजम, असक शरीफ, एफ आलम, पिछले मैच पे ये 10 साल बाद ये आए हैं और यहाँ पे आपको बता दूँ अपने आते ही मैच पे 0 रन मारे, तो आप इन्हें ड्रॉप ही करके रखें। ग्रैंड लीग हेड टू हेड के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। यदि आप हाई रिस्क लेना चाहते हो तो आप ट्राई मार सकते हो, आपके ऊपर है। मोहम्मद रिजवान, यासिर शाह, शाहीन अफरीदीन, एन शाह, मोहम्मद अब्बास। बात करते हैं ये 5 बॉलर पे, यासिर शाह, शाहीन अफरीदी, नासिम शाह, मोहम्मद अब्बास, तो आपको बता दूँ 5 बॉलर पाकिस्तान के बहुत ही टैलेंटेड हैं और ये सभी विकेट निकाल के सक्षम है। तो मैं आपको बता दूँ आज के जो मोस्ट पावर देखने को मिलेंगे वो नासिर शाह हैं। इनमें से आप मोहम्मद अब्बास को या फिर शाहीन अफरीदी किसी एक को आप ड्रॉप करके नासिर शाह को आप ज़रूर पिक करेगा, क्योंकि इस मैच में इनमें कम फोकस लोग डालेंगे, जो भी प्रेडिक्शन वाले होंगे, जो भी टेलीग्राम हो या यूट्यूब में जितने भी वीडियो पे आपको प्रेडिक्शन करेंगे, नासिर शाह को वो ड्रॉप मरवाएंगे। क्यों मरवाएंगे? उनका रीज़न है दोनों मैच पे वो फ्लॉप रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं इसके पहले भी इनके बहुत ही विकेट लेके चुके हैं और ये हाईएस्ट यहाँ पे टेस्ट विकेट इन्होंने लेके रखा है जो अभी जितने भी मैच इन्होंने खेला है, ठीक है। तो कम मैच पे ज़्यादा विकेट इन्होंने लेके रखा है और ये बहुत अच्छे बॉलर हैं। यहाँ पे मैं एम अब्बास, यहाँ पे 2 बॉलर जो बहुत अच्छा है, शाहीन अफरीदी, नासिर शाह और मोहम्मद अब्बास। यासिर शाह पिछली फर्स्ट मैच पे बहुत अच्छी बॉलिंग की, सेकंड मैच में भी अच्छे विकेट निकाले, लेकिन नासिर शाह आप ड्रॉप मत करें, आप किसी न किसी मैच में इन्हें ज़रूर लें। 5 टीम, यदि आप 10 से 11 टीम बनाते हो तो 1 टीम इन्हें ज़रूर लें। हेड टू हेड की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात करें इंग्लैंड ने 25 विकेट मैचेस जीते हैं, पाकिस्तान ने 21, नो रिजल्ट 38 कर रहा है। यहाँ पे टॉप प्रिडिक्शन की बात करें बेट पे तो इंग्लैंड के जीतने के चांसेस इस मैच के पे बन रहे हैं जो 45 और पाकिस्तान के 55। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान बैटिंग पूरी तरह से निर्भर है वो है बाबर आजम के, ठीक है ना। तो वीडियो में आपको समझ में आया होगा प्लेइंग 11। अब आपको बढ़ते हैं, यदि आपने मेगा कॉन्टेस्ट में, आपको बता दूँ ड्रीम 11 यदि आप मनी इन्वेस्टमेंट करते हो तो ओनली आप मेगा इन मैच पे खेलो, बाकी आप हेड टू हेड या 2-10 स्मॉल लीग आप इस पे इन्वेस्टमेंट ना करो, क्योंकि यहाँ पे आपके हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ड्रीम 11 में हाई फीस भी है अदर ऐप के कारण, जैसा कि माई सुपर, जो आपका गो सुपर 11 है, वहाँ पे आपके 0% प्लेटफॉर्म फीस है। यदि 2-10 हेड टू हेड वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यदि आपका आप 5 लगाओगे आप 10 पाओगे, 20 लगाओगे 40 पाओगे, 30 लगाओगे 60 पाओगे, 100 लगाओगे 200 पाओगे, एक भी रुपए आप वहाँ पे आपका घाटा नहीं होने वाला जो यहाँ पे ड्रीम 11 या अदर ऐप लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ आज के मैंने 2 टीम तैयार की है, यहाँ पे जॉस बटलर, रिजवान, दोनों को इसलिए लिया फर्स्ट मैच पे इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, सेकंड मैच में इन्होंने, तो मैं 2 टीमें बना के चला हूँ, बाबर आजम, जो रूट और यहाँ पे ओलियोपॉफ, डिसेबलिक यहाँ पे हैं, शान मकसूद भी आपके पास अवेलेबल हैं, तो जो टीमें डिसेबलिक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सेकंड मैच में इन्होंने किया था, आर्बन जरूर दोनों मैच में फ्लॉप रहे हैं, तो आप इन्हें भी नज़रअंदाज लेके मत चलें। यदि आप ज़्यादा टीम बनाते हैं तो आप मेन ए अली को ज़्यादा लोग रेफ़र करेंगे, शान मकसूद पिछली परफॉर्मेंस 0-0 में आउट हुआ था, लेकिन अपने बात करूं कि ये लगातार 3 सेंचुरी मार चुका है, पिछले मैच के बाद जो भी मैचेस हुए लगातार 3 सेंचुरी मार चुका है शान मकसूद, तो इन्हें आप नज़रअंदाज ना करें। ऑलराउंडर सेक्शन पे आप क्रिस वोक्स के साथ जा सकते हैं, यदि सादब खान खेलते हैं तो आप यहां से किसी एक बॉलर को ड्रॉप करके आप जा सकते हो जो एम अब्बास पे हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्टुअर्ट ब्रॉड, यासिर शाह, मोहम्मद अब्बास, जेम्स एंडरसन पिछली परफॉर्मेंस में 3 विकेट निकाला था, अच्छे ऑलराउंडर टाइप के हैं, बैटिंग भी यदि आएगी इनका अच्छा दिन रहेगा तो अच्छा रन भी बना सकते हैं। शाहीन अफरीदी और नासिर शाह, इनमें से कोई एक पिक करें, नासिर शाह, और यदि आप ग्रैंड लीग में जाना चाहते हैं रिस्क के साथ तो नासिर शाह को आप ज़रूर ले लें। फिर उसके बाद आपके पास जो आर्चर हैं, आर्चर आप किन की जगह ले सकते हो, आप ले सकते हो यहाँ पे एंडरसन की जगह अर्चर्ट पे ले जा सकते हो, बहुत कम लोगों ने इन्हें पिक किया है। तो यदि ये मैच खेलते हैं तो आपको बता दूँ फर्स्ट मैच पे ही इन्होंने 85 पॉइंट्स लिया था, तो आप इन पे जा सकते हो, ठीक है।
कैप्टन वाइस कैप्टन किन्हें आप पिक कर सकते हो, जो मैंने फर्स्ट मैच पे किया था, यहाँ पे मैंने क्रिस बॉक्स को वाइस कैप्टन, स्टुअर्ट ब्रॉड को कैप्टन बनाया था, जैसा कि यहाँ पे 300 के अकॉर्डिंग रहेगा तो विकेट 10/10 गिरने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने बॉलिंग पे ज़्यादा रेफर किया है, बैट्समैन को मैंने जोड़ किया है 5 बैट्समैन के साथ, और यहाँ पे मैं सिक्स्थ बॉलर, ये मेन बॉलर ही हैं, तो इनके साथ मैं गया, ठीक है ना। अब मोहम्मद रिजवान या जॉस बटलर पे रिक्स ले सकते हो, आपके ऊपर है, आप उनमें से चाहो तो एक आप यदि सादाब खान खेलता है तो आप एक ऑलराउंडर ले सकते हो यहाँ पे से, और या फिर आप विकेट लेने के लिए बॉलर ले सकते हो, ठीक है ना। सेकंड जो हुआ है मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा, सॉरी, यहाँ पे शान मार्क्सवुड को मैंने कैप्टन बनाया, लेकिन बाबर आजम को आप कैप्टन बना सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक बॉलर विकेट कीपर लेके चला है, जो जॉस बटलर है, क्रिस बॉक्स हैं, यहाँ पे मैंने यासिर शाह, शाहीन अफरीदी और यहाँ पे एन शाह को मैंने पिक किया, यहाँ पे 3 बॉलर जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जोफर अर्चो को पिक किया है, और कैप्टन वाइस कैप्टन बाबर आजम को कैप्टन वाइस कैप्टन जो रूट को किया है। यदि यही टीम रहती है तो मेरी सेम टीम रहने वाली है ग्रैंड लीग के लिए, हेड टू हेड के लिए सेम टीम रहने वाली है, कैप्टन वाइस कैप्टन स्टुअर्ट ब्रॉड, वाइस कैप्टन जो रूट पे मैं हेड टू हेड के लिए जाऊंगा, कुछ ऐसे मेरी हेड टू हेड रहने वाली है, या फिर आप बाबर आजम पे भी जा सकते हो, स्टुअर्ट ब्रॉड कैप्टन, वाइस कैप्टन बाबर आजम पे जा सकते हो हेड टू हेड के लिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड, हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को न्यू आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। थैंक यू।